जंतुओं के वर्गीकरण का आधार बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स। जैसा कि हम जानते हैं जंतुओं में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, विविधताएं पाई जाती हैं, और ये भिन्नताएं जो विविधताएं हैं ये आकार, आकृति, रंग, आवास, स्वभाव, पोषण की विधि, प्रजनन विधि अनेक प्रकार की होती हैं। जो भिन्नताएं जंतुओं में हम देखते हैं ये भिन्नताएं न केवल मॉर्फोलॉजिकल होती हैं बल्कि एनाटॉमिकल भी होती हैं। तो जंतुओं का जो वर्गीकरण करते हैं तो उसके लिए जो क्राइटेरिया तय किया गया है उनके प्रमुख बिंदु जो है वो इस तरह से हैं। पहला बिंदु है मल्टी सेलुलरिटी और नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी, यानी विश्व के जो समस्त जंतु हैं उनकी शरीर में पाए जाने वाली कोशिकाओं की संख्या के आधार पर समस्त जीवों को दो बड़े समूहों में बांटा जा सकता है। पहला समूह है प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ समूह के जो जंतु है वो एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और जो दूसरा समूह है वो मेटाजोआ, ये सभी जंतु जो है मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय होते हैं। दूसरा जो क्राइटेरिया है ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी शरीर का जो संगठन है उसके आधार पर भी हम जंतुओं को अलग अलग समूह में बांट सकते हैं। तीसरा है सिलोम, तो देखा है वो उसकी उपस्थिति, अनुपस्थिति और टाइप ऑफ सिलोम के आधार पर भी जंतुओं को अलग अलग समूह में ग्रुप में बांट सकते हैं। सिमेट्री भी जंतु वर्गीकरण का आधार है, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल और टाइप ऑफ सिमेट्रिकल के आधार पर भी जंतुओं को अलग अलग समूह में बांटा जा सकता है। इसके अलावा सेगमेंटेशन, सेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड, और जो सेगमेंटेड है वो भी सुपरफिशियल और मेटामेरिकल सेगमेंटेड, इस तरह से अलग अलग समूह में जंतुओं को बांटकर भी उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो चट्ठा जो जंतुओं का आधार है वो है एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर जंतुओं के देखते हैं उसके आधार पर भी हम जंतुओं को अलग अलग समूह में बांट सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी जो है भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब हम जो है जो बिंदु हैं वो एक एक का जो है चर्चा करेंगे, एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जंतुओं में कोशिकाओं की संख्या, यानी जंतुओं के जो वर्गीकरण का आधार है तो पहला आधार ये था कि एनिमल्स आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यानी कोशिकाओं की संख्या के आधार पर समस्त जंतुओं को दो समूह में बांट सकते हैं, एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु। जैसा मैंने बताया एक कोशिकीय जंतु जो है प्रोटोजोन समूह के जो जंतु है समस्त यूनिसेलुलर होते हैं, और प्रोटोजोन के अलावा जो शेष जंतु है वो सारे मल्टीसेलुलर होते हैं। इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर यानी मल्टीसेलुलरिटी के आधार पर या कोशिकाओं की संख्या के आधार पर समस्त जीवों को एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दो बड़े समूह में बांटा जा सकता है। इस तरह से जंतुओं को दो भागों में बांटकर एक क्लासिफाइड किया जा सकता है। दूसरा जो वर्गीकरण का आधार है संगठन की कोटि, यानी लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। शरीर की जो बनावट है, शरीर का जो संगठन है वो समस्त जीवों की एक जैसी नहीं होती। जैसा कि हम प्रोटोजोन्स में देखते हैं यहां पर प्रोटोप्लाज्मिक टाइप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। दूसरा जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह का जो कोशिकीय प्रकार का शारीरिक संगठन जो है स्पंजेस ओरिफेरस जंतु है उनमें देखने को मिलता है। इसी तरह से टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी डेरिन जंतु है सिलेंटेट्स है इनमें उत्तक प्रकार का शारीरिक संगठन देखने को मिलता है। इसके अलावा टिश्यू ऑर्गन टाइप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फ्लिटिलंथी के जंतुओं में जो है उत्तक अंग प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम टाइप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है तो प्लेटिलमंथीज के अलावा या इनसे जो उस वर्ग के जो समस्त जंतु हैं पोडेट तक पोटिब्रेट्स तक समस्त जीवों में ऑर्गन सिस्टम टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ये जो अन्य प्रकार का शारीरिक संगठन है उससे ज्यादा जटिल प्रकार का शारीरिक संगठन होता है। अब जो है तीसरा जो क्राइटेरिया है वर्गीकरण का जो तीसरा जो आधार हमने दिया है वह है सिलोम, और सिलोम के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जंतु को हम अलग अलग समूह में बांट सकते हैं। तो सिलोम के बारे में चर्चा करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हम ये जान लें कि सिलोम होती क्या है। तो सिलोम इज ए केविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल एंड लाइंड बाय मेसोडर्म, यानी सिलोम क्या होती है देह भित्ति और आहार नाल के बीच में पाए जाने वाला स्पेस स्थान होता है जो कि मेसोडर्म से आश्रित होता है।
तो इस तरह के जो संरचना है उसको हम कहेंगे सिलोम ट्रिप्सिलोम। अब सिलोम की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर हम तंतु को अलग समूह बांटते हैं। कुछ तंतु ऐसे होते हैं जिनमें पोटी वाल और गट वाल यानी देह भित्ति और आहार नाल के बीच में स्पेस नहीं होता। ये स्पेस पैरेन्काइमल टिश्यू, पोटिडियल टिश्यू या मेसेनकाइमल टिश्यू से भरा होता है। इस कारण से ये भाग कॉम्पैक्ट होता है, ठोस होता है। तो ऐसे जंतु एसिलोमेट कहलाते हैं। तो इस तरह से सिलोम की अनुपस्थिति के आधार पर जंतुओं को एक समूह बन गया एसिलोमेट। जंतुओं को सिलोम की के आधार पर जंतुओं का दूसरा समूह है स्यूडोसिलोमेट। यानी स्यूडोसिलोमेट जंतुओं में सिलोम तो पाई जाती है, तो बॉडी वाल और गट वाल के बीच में स्पेस तो होता है लेकिन ये मेजोरल से आश्रित नहीं होता। तो ऐसे जंतुओं को एक अन्य समूह में सिलोमेट समूह में रखते हैं या रखा जा सकता है। तीसरा जो समूह है सिलोमेट, जिनमें वास्तविक सिलोम पाई जाती है, बॉडी वाल और गट वाल के बीच में स्पेस होता है और ये स्पेस जो है लाइन वाई यानी मेजोरल से आश्रित होता है। इस तरह से सिलोम के आधार पर हम जंतुओं को मोटे तौर पर तीन समूह में, तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला एसिलोमेट जिनमें सिलोम नहीं पाई जाती, दूसरा स्यूडोसिलोमेट जिनमें सिलोम तो पाई जाती है लेकिन वास्तविक नहीं होती, आभासी होती है, और तीसरा सिलोमेट यानी वास्तविक सिलोम वाले जंतु। जो सिलोमेट्स हैं, देहगुहे जंतु हैं जिनमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है, उनको फिर फर्दर जो है सिलोम की उत्पत्ति के आधार पर, किस तरह से सिलोम का ओरिजिन होता है उसके आधार पर हम दो उपसमूह में बांट सकते हैं, साइजोसिलस सिलोमेट एनिमल्स एंड एंट्रोसिलस सिलोमेट एनिमल्स। यानी दोनों सिलोमेट तो हैं लेकिन इनमें जो सिलोम का ओरिजिन है वो अलग अलग तरीके से होता है। साइजोसिलस जो एनिमल्स हैं उनमें जो भ्रूण या आदांतर है वहां पर जो फोर्टी सेल्स होती है, एक तरह से वो मेजोड्रम का निर्माण करती है, मेजोड्रम का, तो फोर्टी सेल्स जो है एकत्रित हो जाते हैं और वहां पर फिर इन जो फोर्टी सेल्स कह सकते हैं या किलोब्लास्ट सेल्स कह सकते हैं, इसमें विपाटन होता है, स्प्लिटिंग होती है और बीच में केविटी बन जाती है और केविटी दोनों ओर से मेजोड्रम से आश्रित होती है। तो इस तरह से अगर सिलोम का विकास हो तो ये साइजोसिलस सिलोम कहलाती है। इसके अलावा भ्रूण एंड्रोन जो है उनके दोनों ओर पाउच बनते हैं और ये पाउच वृद्धि कर बड़े आकार के हो जाते हैं और एंड्रोन से अलग हो जाते हैं और ये जो पाउच है जो केविटी बनती है ये केविटी दोनों मेजोड्रम से आश्रित होती है। इस तरह से अगर सिलोम का विकास हो तो ये एंट्रोसिलस सिलोमेट। और साइटोसिलस सिलोमेट की बात करें तो एनलिड्स है, ऑर्थ्रोपोड्स है, उनका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। एंट्रोसिलस की बात करें तो इकारोडन्स और ऊपर के जो ऑडेट्स हैं इन जंतुओं में एंट्रोसिलस सिलोम देखने को मिलती है। यहाँ पर जो डायग्राम है इनके द्वारा भी हम सिलोम को समझ सकते हैं। ये देखो एसिलोमेट यानी एसिलोमेट जंतु ऐसे होते हैं जिनमें ये बॉडी वाल है और ये बीच में गट वाल, बॉडी वाल और गट वाल के बीच में जो स्पेस है ये क्या है, कॉम्पैक्ट है, यहाँ पर ये पूरी तरह से रिक्त नहीं है, यहाँ पर पैरेन्काइम या मेसेनकाइम जो सेल्स हैं वो भरी होती हैं। इसी तरह से स्यूडोसिलोमेट्स कहते हैं इनमें बॉडी वाल और ये गट वाल इनके बीच में स्पेस तो है लेकिन यहाँ पर क्या है ये मेजोड्रम से आश्रित नहीं है, इस कारण से ये आभासी प्रकार की सिलोम होती है। ट्रू सिलोम या वास्तविक जो सिलोम है इसमें बॉडी वाल और गट वाल के बीच में स्पेस पाया जाता है और ये मेजोड्रम से आश्रित होता है। तो यहां पर ये जो एग्जांपल हम देख रहे हैं ये वास्तविक सिलोम का एग्जांपल है। अब जो है जंतु के वर्गीकरण का जो चौथा आधार है उस पर हम चर्चा करेंगे और ये है सिमेट्री। सिमेट्री यानी सममिति। सिमेट्री की हम बात करें तो इट इज द स्टेट ऑफ हैविंग टू हाल्व दैट मेक ईच अदर एग्जैक्टली इन शेप एंड साइज। यानी जंतुओं को एक निश्चित अक्ष या तल से अगर काटा जाए तो एक भाग दूसरे के इक्वल होता है शेप और साइज में, एक दूसरे का मिरर होता है और इस तरह की अगर संरचना अगर बनती है तो ये सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। अगर जंतु को किसी भी तल से अगर काटा जाए और एक भाग दूसरे का एक दूसरे के समान नहीं होते, दोनों भाग दूसरे के समान नहीं होते, एक दूसरे के मिरर नहीं होते, इक्वल नहीं होते, तो ऐसे जंतु एसिमेट्रिकल कहलाते हैं। जैसे हम बात करें अमीबा की, अमीबा को अगर किसी भी तल से काटते हैं तो एक भाग दूसरे के इक्वल नहीं होता। इसी तरह से स्पंजेस में जो स्पंज है उनको भी अगर काटा जाता है किसी तल से तो एक भाग दूसरे के इक्वल नहीं होता। इस कारण से स्पंज और जो ये अमीबा है
इनको हम एसिमेट्रिकल एनिमल में सम्मिलित कर सकते हैं, इनका एक लक्षण बना सकते हैं। दूसरी मैंने बात की कि सिमेट्रिकल एनिमल्स जो सममित हैं, यानी उनको अगर निश्चित तल से निश्चित अक्ष से अगर काटा जाए तो एक भाग दूसरे के इक्वल होता है, तो इनको भी हम फर्दर जो है तीन समूह में बांट सकते हैं। पहला समूह है स्फेरिकल सिमेट्रिकल एनिमल्स, गोलीय सममिति वाले जंतु। गोलीय सममिति वाले जंतु कौन से होते हैं? इन जंतुओं का आकार गोलाकार होता है, इनमें न तो पृष्ठ सतह स्पष्ट होती, न ही अधर सतह स्पष्ट होती, न ही इनमें अग्र भाग स्पष्ट होता, न ही पृष्ठ भाग स्पष्ट होता, आकार गोलाकार होता है। इस कारण से इन जंतुओं को किसी भी अक्ष से किसी भी तल से काटा जाता है तो एक भाग दूसरे के समान होता है, इक्वल होता है, आकार व आकृति एकदम एक जैसी होती है, दोनों जो टुकड़े हैं उनकी, दोनों जो भागों की। तो ऐसे जो जंतुओं का समूह है स्फेरिकल सिमेट्रिकल एनिमल्स कहलाते हैं। जैसे हम बात करें प्रोटोजोआ का, तो रेडिलियर समूह जो है उसमें स्फेरिकल सिमेट्रिकल एनिमल्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स, ये जंतु जिनमें अरीय सममिति पाई जाती है। तो ये जंतु इनको किसी एक तल से या दो अक्ष से अगर काटा जाए तो एक हाफ दूसरे हाफ के बिल्कुल इक्वल होता है। साथ ही इन जंतुओं में जिस साइड में मुख होता है वो ओरल सरफेस और उसके ठीक विपरीत जो है अब ओरल सरफेस होती है। तो कहने का मतलब है जिस साइड में मुख होता है वो ओरल सरफेस यानी वेंट्रल सरफेस होगी, और उसके ठीक विपरीत जहां पर अपोरल सरफेस है वैसे डोर्सल सरफेस, यानी डोर्सल और अदर सतह स्पष्ट होती है और जंतु को किसी भी अक्ष से काटते हैं तो एक भाग दूसरे के इक्वल होता है। इस तरह के जंतु जो है रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स कहलाते हैं। और जैसे कि हम बात करें कि जो सिलेंटेड्स एंड एडेरियंस और इकनोड्रम्स, इनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। एक और अन्य समूह बनता है सिमेट्री के आधार पर, वो है बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स, द्विपार्श्व सममित जंतु। इन जंतुओं में किसी एक तल या केंद्रीय अक्ष से जंतु को काटा जाए तो एक भाग दूसरे भाग के बिल्कुल इक्वल आता है। लेकिन यहां पर एक वो खास बात है कि इन जंतुओं के अदर भाग और पृष्ठ भाग दोनों स्पष्ट होते हैं, साथ ही अग्र भाग और पृष्ठ भाग भी स्पष्ट होता है। जैसा कि एडल सिमेट्रिकल एनिमल्स में हमने बात की, वहां पर अदर पृष्ठ होता है लेकिन अग्र और पृष्ठ नहीं होता, यहां पर अदर पृष्ठ के साथ में अग्र पृष्ठ जो है सरफेस भी या जो भाग है वो भी स्पष्ट हो जाते हैं, और जंतु किसी भी अक्ष से काटते हैं किसी भी तल से काटते हैं तल से काटते हैं तो एक भाग दूसरे के इक्वल होता है। तो इस तरह से सिमेट्री के आधार पर समस्त जीवों को हम एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल और फिर फर्दर जो सिमेट्रिकल एनिमल्स है उनको भी स्फेरिकल सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल और बायलेटरल सिमेट्रिकल समूह में बांट सकते हैं। रेडियल सिमेट्री को भी कुछ जगह दिखाया गया बाय रेडियल ट्राई रेडियल है ना, एक साल रेडियल सिमेट्रिकल, इस तरह से अलग सिमेट्री बताई गई है। अब हम जो है वर्गीकरण का अगला आधार लेते हैं सेगमेंटेशन यानी विखंडन। तो विखंडन के आधार पर भी समस्त जीवों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। वो जंतु जिनको जिनमें जिनके शरीर में विखंडन पाया जाता है, और एक वो समूह है जिनके शरीर में विखंडन नहीं पाया जाता। तो विखंडन के आधार उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर समस्त जीवों को मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं, सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड। अब जो सेगमेंटेड जंतु हैं उनको फर्दर भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक वो जो सुपरफिशियल सेगमेंटेशन जिनमें सेगमेंटेशन तो पाया जाता है लेकिन कैसा होता है, सतही प्रकार का होता है, आंतरिक नहीं होता, ऊपरी जो सतह है वहां पर सेगमेंट देखने लगते हैं, यानी बाहर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जंतु में जंतु का जो शरीर है खंडों में विभक्त है लेकिन वास्तव में खंडों में विभक्त नहीं होता। और दूसरा है मेटामेरिकल सेगमेंटेड एनिमल्स, ये वो जंतु होते हैं जिनका शरीर बाहर से तो सेगमेंटेड होता ही है लेकिन अंदर से भी विखंडित होता है। तो इस तरह से सेगमेंट की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर सुपरफिशियल सेगमेंट और मेटामेरिकल सेगमेंटेड जंतु समूह में बांट सकते हैं। कुछ लेखकों ने सेगमेंटेड सेगमेंट की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर जंतुओं को तीन भिन्न प्रकार से बांटा है, एमेरिया, ओलिगोमेरिया और पोलीमेरिया। एमेरिया जिनके शरीर में विखंडन नहीं पाया जाता, ओलिगोमेरिया विखंडन तो पाया जाता है लेकिन संपूर्ण शरीर पर नहीं पाया जाता,
शरीर के कुछ भागों में यानी मध्य भाग में विखंडन देखने को मिलता है या पश्च भाग में देखने को मिलता है, यानी संपूर्ण शरीर में विखंडन नहीं पाया जाता। इसके अलावा वो जंतु जिनमें संपूर्ण यानी पूरे शरीर में विखंडन पाया जाता है, इस आधार पर जंतुओं को लंबे समूह में बांटा गया है। अब हम वर्गीकरण का अगला आधार लेते हैं, एम्ब्रियोलॉजी या एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोलॉजी के आधार पर हम जो है निम्न क्राइटेरिया के आधार पर जंतुओं को अगले समूह में बांट सकते हैं। सबसे पहले जर्म लेयर, जन स्तर के आधार पर जो जर्म लेयर है उसके आधार पर भी जंतुओं को डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक समूह में बांट सकते हैं, यानी दो जन स्तर एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और त्रिजन स्तरीय जंतु जिनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म पाए जाते हैं। तो सेलेंटेट्स से जो ऊपर उस वर्ग के जो जंतु हैं इनमें जो तीन जन स्तर पाए जाते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और जो सेलेंटेट्स हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसी तरह से जो भोरण की है उसमें जो क्लीवेज है, क्लीवेज की आधार पर भी हम जंतुओं के अलग समूह में बांट सकते हैं। क्लीवेज के आधार पर एक समूह बनता है रेडियल क्लीवेज और एक बनता है स्फेरिकल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज में क्या होता है, जब ब्लास्टुला का जो विभाजन होता है तो एक विभाजन, दो विभाजन और तीसरा विभाजन, पहले विभाजन में दो ब्लास्टोमेर बने, फिर पुनः विभाजन हुआ तो चार बने, और तीसरे विभाजन में चार से आठ बने, तो चार जो ब्लास्टोमेर उसके ठीक ऊपर चार ब्लास्टोमेर व्यवस्थित होते हैं। इस तरह से जब देखते हैं तो यूं लगता है कि जैसे चार ही ब्लास्टोमेर है, आठ नहीं दिखाई देते। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो क्या है, रेडियल क्लीवेज कहलाता है। और ये जो रेडियल क्लीवेज सामान्यतः ऐसे जंतुओं में मिलता है जिनमें इनडिटर्मिनेट टाइप क्लीवेज पाया जाता है। इनडिटर्मिनेट टाइप क्लीवेज का मतलब यह है कि जो ब्लास्टोमेर है उनका फेट भविष्य जो है पूर्व निर्धारित नहीं होता, यानी ये आगे चलकर क्या जंतु शरीर का कौन सा भाग बनाएंगे ये पहले से तय नहीं होता। इसी तरह से स्फेरिकल जो क्लीवेज है उसमें एक विभाजन के बाद दूसरा विभाजन, तीसरे विभाजन, इस तरह से जो आठ कोशिकाएं चार के ऊपर जो चार कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि थोड़ा सा तिरछा होता है कि आठ दिखाई देती है, चार छुपती नहीं बल्कि चार दिखाई देती है, चार के ऊपर चार वो दिखाई देती है। तो इस तरह का जो क्लीवेज है वो डिटर्मिनेट टाइप क्लीवेज जो जंतु है उनमें देखने को मिलता है, यानी जिनमें ब्लास्टोमेर का जो फेट है भविष्य है वो पहले से ही निर्धारित होता है। जो विशेष तौर से हम बात करें कि जो उच्च वर्ग के जो जंतु हैं जिनमें प्रोटोस्टोमिया और जो लिड्स हैं इनमें डिटर्मिनेट टाइप क्लीवेज पाया जाता है। प्रोटोस्टोमिया क्या होता है, जिनमें जो ब्लास्टोकोर है भ्रूण विकास के दौरान ब्लास्टोकोर जो है उससे मौत का निर्माण होता है, उसके आसपास मौत का निर्माण होता है, ऐसे जंतु प्रोटोस्टोम्स कहलाते हैं। इसी तरह से भ्रूण विकास की ही बात करें तो ओरिजिन ऑफ माउथ, मुख का विकास किस तरह से होता है उसके आधार पर भी हम जंतुओं को मोटे तौर पर दो समूह में बांट सकते हैं, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स वे जंतु होते हैं जैसे कि मैंने बताया कि जिनमें ब्लास्टोकोर से या ब्लास्टोकोर के पास से माउथ का निर्माण होता हो, ऐसे जंतु कहलाते हैं प्रोटोस्टोम्स। और ब्लास्टोकोर के पास से माउथ का विकास न होकर कुछ दूर से होता है, ऐसे जंतु प्रोटोस्टोम्स कहलाते हैं। प्रोटोस्टोम्स की बात करें तो ये जैसे एनलिड्स की मैंने बात की, और ड्यूट्रोस्टोम्स की बात करें तो कैरियोडर्मेटा और उस वर्ग का हेमिपोडेट वगैरह, ये सब ड्यूट्रोस्टोम्स कहलाते हैं। इस तरह से आज हमने जंतु के वर्गीकरण के आधार के बारे में चर्चा की। जंतु के वर्गीकरण के कई आधार हो सकते हैं, जैसे नोटोकोड की उपस्थिति अनुपस्थिति एक आधार हो सकता है। इसके अलावा मैंने बताया इसके रंग, आकार, आकृति, आवास, पोषण विधि, वजन विधि, ये भी आधार हो सकते हैं। लेकिन हमने जो मोटे तौर पर पांच छह बिंदु लिए जिनके आधार पर जंतु के वर्गीकरण का आधार तय किया है, उनमें मल्टी सेलुलरिटी, पेरेटो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिलोम, सिमेट्री, सेगमेंटेशन और इसके बारे में हमने चर्चा की। और ये जो वर्गीकरण